जनपद संभल में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद संभल की चारों विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से वोटों की मतगणना की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जनपद संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भेजोई के वेयर हाउस में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनपद के चारों विधानसभा संभल, चंदोसी, असमोली व गुन्नौर की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। 14 टेबल पर ईवीएम मशीन की मतगणना की जाएगी। इसके अलावा चंदोसी विधानसभा में पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4 टेबल लगाए गए हैं तथा शेष तीनों विधानसभाओं में 3-3 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग के लिए चंदोसी व असमोली में 22 टेबल व संभल और गुन्नौर में 1-1 टेबल पर स्कैनिंग की जाएगी। 10 मार्च को 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मतगणना की सारी तैयारियां जो है पूर्ण करा ली गई है। सभी जो 4 विधानसभा हैं, चंदौसी, संभल, असमौली और गुन्नौर, चारों विधानसभा में हम लोगों ने ईवीएम के लिए हर एक राउंड में 14 टेबल लगाए गए हैं। 14 टेबल्स पे ईवीएम मशीन की गणना की जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के लिए चंदौसी विधानसभा के लिए हम लोगों ने 4 टेबल लगाए हैं। शेष 3 जो विधानसभा है उसमें 3-3 टेबल लगे हैं। इसके अलावा जो है एक जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट है उसके स्कैनिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, जो कि पहले 2 विधानसभा चंदौसी और असमोली के लिए 2-2 टेबल और 2 अन्य के लिए 1-1 टेबल की व्यवस्था कराई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी भी संख्या वो आ रही हैं, तो ज़रूरत पड़ेंगे तो हम उसकी एक और की व्यवस्था करा लेंगे। तो व्यवस्था हमारे सारे कर्मचारी की व्यवस्था कर ली गई है, वहाँ पर उनको सभी तैनाती कर दी गई है। जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है वो भी पूरा हो चुका है। 10 मार्च को 8 बजे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो सही समय पर प्रारंभ हो जाएगी। सर, कुल कितने कर्मचारी इसमें लगेंगे गणना में, कितने राउंड से, कुछ और मोटा मोटा बता पाएं? चंदौसी विधानसभा जो है उसमें 405 पोलिंग स्टेशन में हमारे 29 राउंड लगेंगे। असमौली के 446 पोलिंग स्टेशन के लिए हमारे 32 राउंड लगेंगे। संभल 420 पोलिंग स्टेशन के लिए 30 राउंड लगेंगे और गुन्नौर में 475 पोलिंग स्टेशन है, 34 राउंड लगेंगे। एक राउंड में कुल 14 मशीनों की गणना होगी। सर, जिस तरह से मतदान यहाँ पे शांतिपूर्ण रहा था, तो मतगणना के लिए क्या क्या संदेश है आपका? सर, मतगणना के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि मतगणना जो होने वाला जो परिसर है, परिसर के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जो ऑथराइज होंगे। इसमें या तो सरकारी कर्मचारी जो मतगणना कार्यों या अन्य कार्यों में लगे हुए हैं जिनके पास परिचय पत्र होगा, और कैंडिडेट या कैंडिडेट के जो चीफ काउंटिंग एजेंट हैं या उनके काउंटिंग एजेंट, यही लोग रहेंगे जो ऑथराइज होंगे। इसके अलावा किसी को भी जाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर पर्याप्त चेकिंग की व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करा ली गई है। अंदर का जो दायरा है वो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेज के द्वारा होगा और बाहर में हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगी रहेंगी। बैरियर 100 मीटर से दूर है, तो जो ट्रैफिक इत्यादि या लोगों को रोकने, वाहन को रोकने इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर होगी।